जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं गूगल लाइन चार्ट। ये जो लेक्चर है बेसिकली मेरे आज के एक्सपीरियंस के ऊपर है, क्योंकि मैंने आज ये यूज किया था तो मैंने सोचा कि आपको भी ये क्यों ना बताया जाए, क्योंकि आपके जीवन में कभी ना कभी काम आने वाला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम किस बेस पर इस चार्ट को दिखाने वाले हैं। लाइक ये तो मेरा डेमो चार्ट है, हालांकि मैंने जो वर्किंग किया था वो कुछ और ज्यादा गहरा चार्ट था। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ज्यादा ही लाइन्स थी। ठीक है, पर ये मैंने एक डेमो के लिए आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, और आज हम कुछ इस तरीके का ही चार्ट क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपना क्या करें, डेटाबेस को सेटअप कर लें। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो मेरा एक ब्लॉग नाम का मैंने डेटाबेस बना रखा है टेस्टिंग पर्पज के लिए, जिसमें क्या है मेरी पोस्ट नाम की टेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइटल डला हुआ है, कुछ विजिटर्स डले हुए हैं, कुछ क्लिक डले हुए हैं। लाइक मान के चलिए आपकी ब्लॉग पोस्ट पर कोई विजिट कर रहा है, आप उसे स्टोर करा रहे हो अपने डेटाबेस में, या आप उस पर कितने क्लिक हुए वो भी आप काउंट करवा रहे हो। ठीक है, तो उसको आप शो कराना चाहते हो, जैसे आपने गूगल के, आपने देखा होगा गूगल के होते हैं कुछ एनालिटिक्स, जिसमें आपने देखा होगा शो होते हुए। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपका कोई और भी कंडीशन हो सकती है, पर कोई इशू नहीं है, आप बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए, आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक सीडीएन है जो कि काफी यूजफुल सीडीएन है। अब आप बोलोगे इस सीडीएन को हम कैसे ले सकते हैं, देखिए आपको या तो एक फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सेम एज इट इज डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, तब हम आगे वर्किंग करेंगे। तो मैंने लाइक यहाँ से क्लियर स्क्रीन करता हूँ, मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहा हूँ, पीएचपी आर्टिजन में कॉलन कंट्रोलर, एंड देन कंट्रोलर का नाम मैं रख लेता हूँ लाइक पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने नेम रख लिया है, एंड देन ये मैंने हिट कर दिया, ये मेरा बन चुका है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, राउट बनाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि अब हमें राउटिंग पर ही वर्क करना होता है पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, यूज कर लेते हैं, यूज एप स्लैश एंड देन एचटीटीपी स्लैश कंट्रोलर्स, जो कि आपका कंट्रोलर्स के अंदर क्या है आपका बेसिकली पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इस क्लास को हम आगे यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसको मैं थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ, तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी दिखाई दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक राउट बनाने जा रहा हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, एंड देन इसका मैं लाइक नाम रख लेता हूँ लाइन चार्ट। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया, और यहाँ पर मैं क्लास पास कर देता हूँ, एंड देन फिर मेथड, सॉरी यहाँ पर लाइक मैं कर देता हूँ शो लाइन चार्ट। ठीक है, इस तरीके का मेथड हम क्रिएट करेंगे, अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो वो अभी हमें बनाना है, सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूंगा कि हम चलते हैं ऐप के अंदर, एचटीटीपी कंट्रोलर्स के अंदर पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डीबी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूज डीबी, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ इनर क्वेरीज लगानी होंगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे लगानी है। तो पहले हम मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन शो लाइन चार्ट, एंड देन यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्किंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से जब भी आप अपना रिटर्न तो कर दोगे डायरेक्ट, लाइक व्यू आपने रिटर्न कर दिया, लाइक आपने कोई नेम रखा लाइक लाइन चार्ट नाम का, अपना कोई क्या किया व्यू बनाया। ठीक है, तो अभी बनाया नहीं है, हम बना लेते हैं फिलहाल में एक। तो रिसोर्सेज के अंदर गए, व्यूज के अंदर एक मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, इसका नेम मैंने रख लिया लाइन चार्ट डॉट प्लेट डॉट पीएचपी। ठीक है, इसमें आप व्यू अपना सेटअप करोगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हमें किस तरीके से डेटा भेजना है वो हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट के साथ समझना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डीबी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं डीबी क्लास का यूज करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को जो पोस्ट है मेरी, उसमें से मेरे को ये काउंट करना होगा कि विजिटर्स कितने आए, कितने क्लिक्स हुए, और ईयरली के बेस पर मेरे को देखना होगा। ठीक है, लाइक ईयर के बेस पर मैं बात करूँ, जब ये क्रिएट हुए तब की बात करूंगा। ठीक है, मैं तो यहाँ से देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का टाइम स्टैम्प है, लाइक 2018, 19, 20, 21, 22। ठीक है, आपके और होंगे तो आप और ऐड, मतलब कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेरी आपको लगानी है वो समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्रिएटेड ऐड से मैं ईयर निकाल लूंगा, यहाँ से इनका काउंट निकाल लूंगा कि कितने ईयर के कितने काउंट है एंड कितने विजिटर्स हैं, और बाकी तो ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सब क्वेरीज यूज करूंगा, तो डीबी का यूज करूंगा, डीबी कॉलन कॉलन टेबल। पहले हम बता देते हैं कि भाई हमारी टेबल कौन सी है, पोस्ट नाम की हमारी टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट नाम की टेबल है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ सब क्वेरीज यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा हम यहाँ पर ही एंटर कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो देखिएगा, ध्यान से समझना है।
यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक सब क्वेरी लगाऊंगा, डीबी कॉलन कॉलन रो। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईयर को निकालेंगे। ठीक है, ईयर क्या है, मतलब ईयर कैसे कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने नहीं जाना है तो जान लीजिए कि क्रिएटेड एट में से आप ईयर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ईयर नाम का। आपने क्या किया यहाँ पर, मतलब लिखा आपने ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो कॉलम नेम भी स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो लाइक मैंने लिख दिया क्रिएटेड एट, तो इसके पास ईयर है और मैं यहाँ पर एज लगा दूंगा, एलियाज का यूज करूंगा कि जब भी कोई ईयर हो मेरी तो उसे मैं कुछ इस तरीके से यूज कर पाऊंगा आगे चल करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपल ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं यहाँ पर एक और क्वेरी लगाऊंगा, सब क्वेरी, तो मैंने यहाँ पर लिखा डीबी कॉलन रो, सॉरी रो। अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे को क्लिक्स निकालने हैं, क्लिक्स का काउंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सब क्वेरी पास करूंगा, तो काउंट निकालना, सम करना है, तो मेरे को सम कर दूंगा मैं यहाँ पर। और किन का निकालना है मेरे को, वो कॉलम नेम भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लाइक मेरे को निकालना है क्लिक का। ठीक है, तो मैंने क्लिक पास कर दिया और इसको भी मैं एलियाज का यूज करूंगा और मैं यहाँ पर बता दूंगा कि मैं आगे चल करके इसे कुछ इस तरीके से यूज करूंगा आगे जो भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्लिक, ठीक है, टोटल क्लिक इस तरीके से मैं यूज कर लूंगा। और यहाँ पर कॉमा देते जरूर आइएगा वरना आपको मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्या करें, डीबी कॉलन कॉलन रो अगेन पास करेंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए व्यूअर्स। ठीक है, तो मेरे को विजिटर्स जो हैं, या आप जो व्यूअर्स बोल सकते हैं इनको, तो इनका भी मेरे को काउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल है सम पास करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सम पास किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि विजिटर नेम है इसका कॉलम का, तो वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको भी एलियाज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल, कुछ भी ले सकते हैं आप, व्यूअर ले लिया, लाइक मैंने टोटल व्यूअर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको यूज करने वाला हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा ग्रुपिंग कर देता हूँ इनकी, कि ग्रुपिंग किस तरीके से चले। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय का मैं यूज कर रहा हूँ। ग्रुप बाय में मैं लाइक कोई सब क्वेरी पास कर देता हूँ, तो डीवी कॉलन कॉलन रो, एंड देन इसको मैं क्या करता हूँ, ईयर के बेस पे करता हूँ। ठीक है, तो ईयर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपना कॉलम नेम प्रोवाइड कर दीजिए क्रिएटेड एट। ठीक है, बस इतना काम करना था और कुछ नहीं करना। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट लगा देंगे। ठीक है, गेट से क्या होगा, आपके पास डेटा आ जाएगा। अब ये जो डेटा आया वो आपने क्या किया, एक वेरिएबल में असाइन कर लिया। लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया इसका नेम विजिटर्स। ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया विजिटर्स, बस इतना काम करना था। और आपके पास जो है विजिटर्स की लिस्ट आ चुकी है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा और आपको वर्किंग करनी होगी। ठीक है, अभी काम हुआ नहीं है, अभी बेसिकली आपको डेटा तो मिला है, पर अभी आपको हमें क्या करना होगा, हमें गूगल चार्ट के हिसाब से देखना होगा डेटा हमें कैसे सेंड करना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का एक एरे बना लेता हूँ सिंपल। सबसे पहले इसमें क्या होगा, देखिए आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हो और अपने फ्रंट एंड वाली फाइल में भी कर सकते हो, मतलब ब्लेड फाइल में। ठीक है, पर लॉजिक जो होता है आपको यहीं लिखना चाहिए। ठीक है, वहां पर ज्यादा कोड ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रिजल्ट नाम का एक एरे बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम कुछ हेडिंग्स दे देते हैं, लाइक ईयर। ठीक है, ईयर होगा एंड देन फिर आपका क्लिक होगा। ठीक है, फिर आपका होगा व्यूअर्स। ठीक है, तो आप व्यूअर पास कर दीजिए या कुछ भी पास कर सकते हो, ये मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट नाम के जो मतलब लाइक मान के चलिए एक में तो आ गया, ये आपकी हेडिंग्स आ गई। अब इसके नीचे हमें डेटा चाहिए कि कौन कौन सी ईयर है, कौन कौन से मतलब उसके क्लिक हैं, कौन कौन से उसके व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक फोर लूप चलाएंगे, या आप फोर ईच लूप चला लीजिए, वो बेस्ट है। ठीक है, फोर ईच लूप चलाऊंगा और किसके लिए चलाऊंगा मैं, विजिटर्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर विजिटर्स। देखिए इसके अंदर मेरे को क्या है, सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, मेरे को ईयर मिल जाएंगी, मेरे को क्लिक मिल जाएंगे, मेरे को व्यूअर्स मिल जाएंगे, जितने भी काउंट हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, रिजल्ट में हर एक बार अपेंड कराते जाएंगे, मतलब हर एक इंडेक्स पर। ठीक है, तो डॉलर विजिटर्स हम यहाँ पर एलियाज का यूज कर लेते हैं। लाइक आपने कोई की पास कर दी, ठीक है, मतलब की एक वेरिएबल दे दिया, फिर आपने वैल्यू दे दी डॉलर वैल्यू, तो ये आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर रिजल्ट का यूज कर लूंगा। डॉलर रिजल्ट में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर रिजल्ट आएगा बेसिकली। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, क्या कर देता हूँ मैं, डॉलर की प्लस प्लस। ठीक है, की ये मैंने कर दिया। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि कैसे आप पोस्ट एंड प्री का यूज करते हो, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये मैंने यूज किया। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे बना रहा हूँ। इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को ईयर, फिर क्लिक एंड व्यूअर पास करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले डॉलर वैल्यू के पास से क्या है, मैं डायरेक्ट ईयर को निकाल सकता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले बताया था एलियाज में जो मैंने ईयर रखा है, टोटल क्लिक रखा है, टोटल व्यूअर रखा है, अब मैं इनको यूज करूंगा, ठीक है, ना कि मैं क्रिएटेड एट क्लिक इनको यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरो लगाई और मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल दूंगा डॉलर वैल्यू ईयर मेरे को दे दो, ठीक है। ये तो मेरा गया ईयर में, जितने भी होंगे मेरे ईयर में चले जाएंगे। अब मेरी क्लिक की बारी आती है, तो क्लिक में मैं क्या करूंगा, डॉलर वैल्यू से बोलूंगा कि भाई डॉलर वैल्यू ये रहा हमारा वेरिएबल, और यहाँ पर जो आपने हमें एलियास में बताया हुआ टोटल क्लिक उसको हमें यहाँ पर यूज करने दो, ठीक है। अभी क्या होगा, आपके पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो इसलिए हमें इसे क्या करेंगे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू में। तो ये आपने कर लिया, सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी मेरे को इंट में कन्वर्ट करना होगा, और जहाँ पर मैं टोटल व्यूअर्स पास कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, टोटल व्यूअर भी आ गया, टोटल क्लिक आ गया, और जो आपकी ईयर है वो भी आपने प्रोवाइड कर दी, बस इतना काम करना था। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दीजिए। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न करोगे अपना व्यू, रिटर्न व्यू जब करोगे आप उसके साथ डेटा भी यहाँ से भेज दोगे, ठीक है। तो विद करके मैं यहाँ से डेटा भेज देता हूँ, लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर विजिटर, ठीक है, विजिटर मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और इसमें क्या करूंगा मैं यहाँ पर डॉलर रिजल्ट को पास कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जेसन एनकोड करके भी डेटा भेज सकते हो, या आप अपने फ्रंट एंड वाली फाइल या ब्लेड फाइल में आप वहां पे क्या कर सकते हो, उसे जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से जेसन नहीं करके भेज रहा हूँ, यहाँ से सिंपल मेरा जो पीएचपी में डेटा है वो जा रहा है, यहाँ से जेसन में मैं उधर ही कर लूंगा, क्योंकि मैं वहां पर ब्लेड फाइल में जानता हूँ कि लारावेल में जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे आपकी क्वेरी तो बन चुकी है, अब आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आके सबसे पहले हम HTML5 यूज कर लेते हैं, एंड देन जो हमारा यूआरएल था वो बेसिकली हमारा जो सीडीएन यूआरएल है वो बेसिकली मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर इसका टाइटल रख देते हैं हम गूगल लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, ये सीडीएन जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल डिप बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा, जो लाइक यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये जो ग्राफ है ना वो हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा बनेगा, वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, एक डिप में। तो हम यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं, लाइक डिप बनाया मैंने, और यहाँ पर इसको मैं कुछ आईडी देता हूँ, लाइक मैंने कुछ आईडी दे देता हूँ, लाइक लाइन चार्ट नाम की मैंने कुछ आईडी दे दी इसको। फिर मैं इसकी थोड़ी बर्थ वगैरह भी सेट करूंगा, ये तो बेसिकली डिजाइनर का काम होता है, फिर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, तो वो और अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं। लाइक मैं बर्थ इसकी देता हूँ 900 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ हाइट समथिंग लाइक 500 पिक्सल, ठीक है, इतनी बहुत है आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, कुछ स्क्रिप्ट यूज करनी होगी, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग यूज करनी है, तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पास जो डेटा आया यहाँ से उसे मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, जेसन फॉर्मेट में, बिना जेसन के आप पास ही नहीं कर पाओगे ना, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है विजिटर, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम बेसिकली यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ विजिटर नाम का, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा एट द रेट जेसन यूज करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं, बस हम एक मेथड होता है बस ये, जिसके द्वारा हम पीएचपी का जो जितना भी डेटा होता है लारावेल में उसे हम इजिली कन्वर्ट कर देते हैं जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया डॉलर विजिटर, और ये आपको जेसन में मिल भी चुका है, ठीक है। आप कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखना जरूरी है। एंड देन मैंने यहाँ पर किया सेव, और यहाँ पर भी हमारी फाइल सेव, web.php भी फाइल सेव, ठीक है। एक बार मैं अपना प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन चलिए अभी हम चलते हैं। आई थिंक मैंने सही फाइल पास की हुई है कि नहीं, लाइन चार्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम हमें यूआरएल क्या डालना था, लाइन चार्ट, ठीक है, तो लाइन चार्ट ये मैंने डाला, और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर क्या बोलता है, क्या बोलता है, सर्व, सॉरी मैंने सर्व तो किया ही नहीं, ऑप्टिमाइज करके छोड़ दिया है। तो अगेन मैंने यहाँ पर किया सर्व, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब चल चुका है, और देखते हैं कि यहाँ पर चलता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या एरर आई है, क्रिएट एड, तो हमने यहाँ पर क्रिएटेड एड की जगह यहाँ पर कर दिया हमने क्रिएट एड, तो यहाँ पर ये रही, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्रिएटेड एड, एंड देन फिर से करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश, तो देख सकते हैं गाइस आपका चल चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंस्पेक्ट करके डेटा आया भी है या नहीं, तो कंसोल करूंगा, तो यहाँ पर एक डेटा ही आया है हमारा, तो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो चेक करते हैं यहाँ पर रिजल्ट में आपका ईयर आया, विजिटर्स की एंड वैल्यू, सॉरी गाइस यहाँ पर हमने रिजल्ट तो लगाना भूल ही गए हैं,
तो बेसिकली मेरे को रिजल्ट में पास कराना था और मैंने कर दिया विजिटर्स में, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पर मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस, अभी आपको 6 डेटा मिला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी का ईयर आया, काउंट आया एंड देन व्यूअर आया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको गूगल चार्ट पर शो कराना है, गूगल लाइन चार्ट पर। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं और यहाँ पर अब हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पर यूज करेंगे गूगल डॉट और चार्ट्स, गूगल डॉट चार्ट्स एंड लोड, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर इस मेथड के अंदर आपको जो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ वही आपको स्ट्रिंग पास करनी है, वरना आपका चलेगा नहीं, मतलब शो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला होगा करंट, आप पास कर दीजिए, एंड देन फिर यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास करोगे पैकेजेस, ठीक है। तो पैकेजेस में आप क्या करने वाले हो यहाँ पर कि आप बताओगे कि आप भाई कौन सा चार्ट यूज करना चाहते हो, लाइक आप कोर चार्ट यूज कर रहे हो तो आप वो यहाँ पर पास कर दीजिए एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका जरूरी हो गया है, ठीक है। अगर आपको पाई चार्ट यूज करना है तो आप पाई लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट, तो पाई का यार थोड़ा डिफरेंट है तो हम आगे समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गूगल डॉट चार्ट, ठीक है, गूगल डॉट चार्ट ये करना है बेसिकली है, एंड देन फिर आप यहाँ पे करोगे डॉट सेट ऑन लोड कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पर कॉल बैक मेथड आपको प्रोवाइड करना होगा जो कि हर बार कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल बैक मेथड लाइक यहाँ पर हम डाल देते हैं एक नेम डाल देते हैं ड्रो चार्ट, ठीक है, जो कि क्या करेगा चार्ट ड्रो करने में हेल्प करेगा आपकी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो मेथड बनाएंगे भी जो ड्रो चार्ट का हमने वहां पर पास भी किया है, तो हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो गूगल चार्ट का लिए हमें कॉल बैक बना दिया, अब हमने यहाँ पर इस कॉल बैक में हमें अपना वर्किंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे एरे टू डेटा टेबल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे गूगल डॉट विजुअलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग ठीक से डालिएगा, विजुअलाइजेशन डॉट एरे एरे टू डेटा टेबल, ठीक है, ये आप पास कर दोगे। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, विजिटर आप पास कर दोगे, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल बनाया ना विजिटर, जिस मतलब कितने विजिटर हैं, कितनी ईयर हैं, तो आपने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं एक वेयर डेटा नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने होंगे वरना बेकार है आपका शो कराना, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, की एंड वैल्यू के पेयर में सबसे पहले होगा टाइटल, आप टाइटल क्या रखना चाहते हो, लाइक मैंने लग दिया माई ब्लॉग पोस्ट विजिटर्स, ठीक है, एंड क्लिक्स, ठीक है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। सेकंड वन इज आपको कर्व टाइप बताना, ठीक है। अगर देखिए कर्व टाइप में अभी आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, ठीक है। अभी मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। फिर मैं लीगेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तो आप यहाँ पे पोजिशन प्रोवाइड कर दोगे, लाइक आपने देखा होगा कि क्लिक एंड व्यूज जो इन किनको हम बोलते हैं लीगेंड, देखिए मैं यहाँ पर बताऊँ, ये जो आपको क्लिक एंड व्यूअर दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं लीगेंड, ठीक है। तो इसी को हमें कहाँ पर रखना है, वो हमें पोजीशन बतानी होती है, लाइक पोजीशन आपका नाम का आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक की प्रोवाइड करनी होती है जिसके अंदर आप पास कर सकते हैं टॉप एंड बॉटम, ठीक है। बॉटम आप प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कि आपको बॉटम में शो होंगे। फिर आपने इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ से क्या करोगे, विजुअलाइजेशन लाइन चार्ट को क्या करने वाले हो, बताने वाले हो कि भाई ये यूज करो, मतलब इसमें ट्रांसफर कर दो डेटा जो हमारा डिव है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम एक वेरिएबल में रखेंगे, तो लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ चार्ट नाम का वेरिएबल, ठीक है, न्यू गूगल डॉट विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन एंड देन डॉट लाइन चार्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एंड स्मॉल का, ठीक है। डॉट लाइन चार्ट में आप क्या करोगे, वो एलिमेंट आईडी पास करोगे, तो डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब आईडी में क्या होगा, बेसिकली आपका लाइन चार्ट जो हमने डिव की आईडी बनाई हुई ना, ये वाली लाइन चार्ट, ये आप प्रोवाइड कर दोगे। तो सपोज लाइक मैंने यहाँ पर पास कर दी, बस इतना काम करना था और ये आपकी प्रोवाइड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो चार्ट डॉट ड्रॉ, इससे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करवा देंगे उसको। तो हम यहाँ पर पहला पास कर देंगे डेटा, जो कि बेसिकली आपको बता दूं यहाँ पर ये डेटा वेरिएबल है, एंड देन ये हो गया आपका ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस प्रोवाइड कर दोगे जो भी आपने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर मैंने किया रिफ्रेश, तो देख सकते हैं अभी आपको कुछ इस तरीके से गूगल चार्ट, गूगल का लाइन चार्ट जो है शो हो रहा है, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ा बेस्ट वे में शो नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पर अभी आप देखोगे कि
कुछ इस तरीके से कर्व टाइप में बनना है, ठीक है। तो जैसा कि मेरे मुंह से निकल रहा है कर्व टाइप, ठीक है, तो कर्व टाइप ही आपको यहाँ पर सेट करना है। अभी ये क्या फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन प्रोवाइड करना होगा, तब यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, इसे एकदम कर्व टाइप दे पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, एंड देन ये गाइस देख सकते हो आपका कर्व टाइप ठीक तरीके से चल चुका है, ठीक है। तो बस ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस लेक्चर में, सो थैंक यू।